नाम मैरी कैथरीन ब्लैकवुड है। मेरी उम्र 18 साल है और मैं अपनी बहन कॉन्स्टेंस के साथ रहती हूँ और वो इस दुनिया की सबसे कीमती इंसान है। ब्लैकवुड्स हमेशा से ही इसी घर में रहते थे। हमने किसी को चोट पहुंचाने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। हमने चीजों को वापस कर दिया जहाँ से वो आए थे और हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। वो कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो हमारे साथ कुछ भी करें, हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन बदलाव आने वाला है और ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और उन्हें बताया क्विंटेस और उनके साथ जिसने ड्यूक को राजा के खिलाफ हिलाकर रख दिया, मेरे भाई ने, और अब उन्हें यकीन है और सबने मेरे साथ नदियां डॉरसेट ग्रे पर बदला लिया। फिर मैं शास्त्र के एक टुकड़े के साथ आशा भरता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि भगवान हमें भूले की बुराई के लिए अच्छा करो, और इस तरह मैं अपनी नग्न खलनायकी को पहनता हूँ, अजीब पुराने सिरों के साथ पवित्र रीति की चोरी किसी संत की तरह। प्लीज अपने हाथ धो लो। तुम क्या पढ़ रही हो? एक किताब के साथ एक औरत का एक खूबसूरत नजारा। मैं कुछ पढ़ रही हूँ जिसे सबसे बेहतरीन बनने की किताब कहा गया अंकल जूलियट। अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता मेरे पास तुम्हारे पापा के लिए कोई जानकारी हो सकती है। वो सुबह सिगार पी रहा था। वो करते हैं, वो रोज सुबह पीते थे। मुझे उसी के साथ शुरू करना चाहिए था, मेरे पास नहीं था। मैंने ऐसा तुम्हारी माँ को कहते हुए सुना। तुम्हारे पापा ने कहा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा ये मतलब है आखिरी बोली। ये रही लिस्ट। मिस्टर एल्बर्ट बड़ी बिल्स पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम शहर जा रही हो, हमारी किताबें और रिकॉर्ड देख सकती हो। किराने का सामान ले लेना और लंच मुझे करना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर लेना। सबसे खतरनाक दिन है क्योंकि ट्यूसडे को मुझे शहर जाना पड़ता है और उन्हें देखना पड़ता है जो हमसे नफरत करते हैं। मैंने अपनी मंत्रों की किताब में पढ़ा कि अगर तुम किसी बुराई को दफनाते हो या बिना बेदर्दी के छूटे हो तो तुम इसकी शक्तियाँ पा सकते हो और तुम्हें पूरे एक दिन के लिए नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मेरी रक्षा करो। हम ब्लैकवुड रोड के अंत में रहते हैं जो गांव के आसपास एक बड़े घेरे में है। पिताजी पूरे ब्लैकवुड की तरह पहले वो बहुत अमीर थे और उन्होंने ये गेट बनवाया हमें सुरक्षित रखने के लिए, पर ये हमारी रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ के लोग यह मानते हैं कि कॉन्स्टेंस ने 6 साल पहले हमारे पिता और परिवार को मार दिया था और अंकल जूलियन को जहर दे दिया। उन्हें लगता है कि वो बुरी है और उसे दूर भेज देना चाहिए। लेकिन अब हम दोनों महल में रानियों की तरह रह रहे हैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। तुम चूहे खाती हो। वो चाहते हैं कि हम खत्म हो जाएं, लेकिन वो नहीं समझते। मीट, अंडे, काफी, आटा, अखरोट, थामे, मूंगफली की चिक्की, थॉमस रुक जाओ, और कुछ चाहिए?
कैसी हो? ठीक हूँ शुक्रिया, ब्लैक कॉफी प्लीज। हे स्टेला। जेंटलमैन। उसकी आवाज सुनते ही, हाँ बस आज सुबह प्रैक्टिस की, मुझे मेरा मंत्र पता है जिससे मैं अपनी रक्षा तोड़ सकती हूँ। बहुत पहले जिम डोनेल मेरी बहन कॉन्स्टेंस के प्यार में गिर गया था, वो हमेशा उसे चुराना चाहता था, लेकिन मैंने पिताजी को बता दिया। ओ। और पिताजी ताकतवर थे, उन्होंने कहा तुम दूर जा रही हो, तो जिम डोनेल ने अपनी नौकरी खो दी और अपना प्यार और उसके बाद अपनी गाड़ी भी। उन्होंने मुझे कहा तुम दूर जा रही हो? नहीं नहीं, बस बेहस हो रही होगी। स्टेला क्या तुमने कुछ भास जैसा सुना है? उसे अकेला छोड़ दो चिन। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा स्टेल, मैं बस कुछ पूछ रहा हूँ। मिस मैरी कैथरीन ब्लैकवुड, ये सच है क्या? इस शहर में मुझे हर कोई ये बोल रहा है कि तुम और तुम्हारी बहन कहीं और रहने जा रही हो। हाँ बहुत अफसोस होता है जब पुराना परिवार जाता है तो, हालांकि मुझे लगता है तुम कह सकती हो, बहुत सारे ब्लैकवुड्स पहले ही जा चुके हैं। खैर तुम्हें पता है कि मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि मैं कॉन्स्टेंस ब्लैकवुड को जानता था, वो भी अच्छे से। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है बॉबी? मैं लोगों को बता सकता था कि मैंने उनके टूटे हुए पैर ठीक किए हैं। खैर इसे पूरा देखने जाना चाहिए था बॉबी, मैं तुम्हें बता देता। तो अब जब जॉन ब्लैकवुड चला गया है तुम उसे देख सकती हो। देखेंगे तुम्हारे पास क्या आ रहा है। माफ करना, पिताजी ने कहा घटिया काम को सजा मिलनी चाहिए, भुगतान के लिए नहीं। ऐसा है क्या? चली जाओ। तुमने सही समझा। अब तुम सिर्फ शब्द कहो मिस मैरी कैथरीन ब्लैकवुड और हम वहाँ आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, वो भी फ्री में। जो तुम जानती हो मैं शहर में तुम्हारे पीछे आऊंगी। मुझे यकीन है मैं चैप्टर 44 शुरू करूंगा। मैं इसे थोड़े विस्तार के साथ शुरू करूंगा।
और वहां से दिल खोलकर चला जाऊंगा। झूठ कॉन्स्टेंस मेरी बच्ची। हाँ अंकल जूलियट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मैं हमेशा खुश होती हूँ जब तुम गांव से वापस आती हो, तुम मेरे लिए खाना लाती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। आज शहर में कैसा रहा? इतनी दूर चली गई। मैं हमेशा वापस आकर खुश हो जाती हूँ। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मौसम काफी गर्म हो रहा है, चांद पर तुम पूरे साल मस्ती कर सकती हो, है ना? चांद पर हमारे पास सब कुछ होगा। ताले मजबूत और टाइट हैं, वहाँ बस तुम और मैं, और सूरज हर दिन चमकेगा। दुनिया खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। होगा मेरी कैट, वादा करती हूँ। कॉन्स्टेंस को लोगों की भलाई पर यकीन है। अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। ऑनलाइन 24 घंटे व सातों दिन अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% या अधिकतम 20,000 रुपए तक प्राप्त करें। जादू किया। मैंने एक और चांदी का सिक्का दफनाया उस गुड़िया के साथ जो पिताजी ने कॉन्स्टेंस को दी थी, जिसकी आंखें कभी बंद नहीं हो सकती। पिताजी ने मुझे किताब दी थी, उसे मैंने देवदार के पेड़ में लटका दिया। जब तक ये इस जगह पर है, कॉन्स्टेंस सुरक्षित रहेगी। दरवाजे पर कोई है? वो किसी और को लेकर आई है। क्या तुम डरी हुई हो? गुड आफ्टरनून मैरी कैथरीन, मैं लूसी ली राइट को लाई हूँ, तुम्हें वो याद? मैं उसे वापस भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल, गुड बाय डियर। मैं तुम लड़कियों को एक घंटे में फिर से लेने आऊंगा। गुड बाय मैरी कैथरीन। ओ हेलन, सीढ़ियाँ। शर्म की बात है,
इसे अब कोई नहीं देखता। चाय? बगीचा सुंदर दिख रहा है कॉन्स्टेंस। मैं बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस साल हमने मिस पॉडर के दोस्त के हैरिस कॉन्टेस्ट में $600 जुटाया। $6,000 इस कॉन्टेस्ट इतनी जल्दी? एड्रियन वीटल उसकी फिल्म हैरिस के साथ जीता। तुम उसे हरा सकती थी अपने रातों के राजा के साथ कॉन्स्टेंस। तुम उसे बहुत ज्यादा याद कर रही हो। बहुत ज्यादा। मुझे तुम्हारी परवाह है डियर। मेरी माँ और मैं साथ में। ये वसंत का मौसम था। तुम जवान हो, सुंदर हो, तुम्हें खुश रहने का हक है। दुनिया में वापस आ जाओ डियर। शुक्रिया डियर। मेरा मतलब पहले तो ये बहुत अजीब लगेगा। या शायद रात का खाना। डिनर। कॉन्स्टेंस बनी रहे, कॉन्स्टेंस बनी रहे, कॉन्स्टेंस बनी रहे। मैं इसके बारे में सोचूंगी। यहाँ कोई नहीं आएगा, वो बहुत डरे हुए हैं। खूबसूरत आसमान मारी कैथरीन। बकवास। मैं उनकी बकबक नहीं सुनती और ना ही तुम्हें सुननी चाहिए। लोग तो पिताजी कहते थे शेरवाशी आलसी जानवर थे, कचरे की तरह। उन्होंने कहा कि अगर वो थोड़ा और मुश्किल काम करते तो उनके पास भी महल हो सकता था और खूबसूरत बगीचे। क्या तुम्हें सच में लगता है लोग यहाँ आने से डरते? यहाँ आने से डरते हैं? मेरी भतीजी हत्याओं से भरी हुई थी। यहाँ आने से अब कोई खतरा नहीं हो सकता। जूलियन ब्लैकवुड। हेलो लूसिल राइट। हेलो जूलियन। हालांकि कोई कह सकता है कि यहाँ हर जगह खतरा है, जहर का खतरा एकदम से। मेरी भतीजी कॉन्स्टेंस तुम्हें सबसे बड़े खतरे के होने के बारे में नहीं बता सकती। बगीचे के पौधे सांप से भी ज्यादा घातक है और साधारण जड़ी बूटियां पेट की आंतों के अंदर किसी चाकू की तरह काटती हैं। मैडम बस इतना ही बुला दिया गया। कोई अब इसके बारे में कभी नहीं सोचता। एक आकर्षक मामला, इनमें से हमारे समय के सच्चे वास्तविक रहस्य का, मेरे समय का विशेष रूप से। कहानी सुनाने के लिए मैं बच गया। मैंने इसकी जांच की जूलियन, वहाँ कुछ चीजें थी जिनका अच्छा स्वाद था। स्वाद? मैडम क्या तुमने कभी आर्सेनिक का स्वाद चखा है? मतलब तुम्हें याद है एक परिवार का साथ होना शाम के खाने के लिए कभी भी आखिरी नहीं होना चाहिए। खाने का कमरा बस एक नजर। लुसिलियन, लुसिलियन,